ताली बजा दो एक बार सब। और मित्रों, मैंने कहा इस प्रकार से गोवा यूनिट ने जीतने की एक परंपरा बनाई। 2019 में उपचुनाव आया, 4 में से 3 हम जीत गए। जिला पंचायत का चुनाव 2020 50 में से 33 सीटें जीत गए। नगर पालिका चुनाव 2021 11 में से 9 विजय प्राप्त कर ली। पर जैसा मैंने कहा, अब वार्षिक परीक्षा है और इस बार मैं मन से कहने आया हूं मित्रों, मैं तो देश भर में कार्यकर्ताओं से मिलने वाला कार्यकर्ता हूं। पद के कारण कई लोग जय भाई बुलाते हैं, मगर मैं आपके जैसा ही कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत शक्ति केंद्र से भी नहीं हुई थी, मेरे बूथ से हुई थी। मैं बूथ समिति का अध्यक्ष था और यही पार्टी बूथ समिति के अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती है, देश का गृहमंत्री भी बना सकती है। मगर मैं आपसे मन से बात करने आया हूं। ये एक डबल इंजन सरकार में कुछ डिब्बे जो छूट जाते हैं ना, कुछ सीटें कम पड़ जाती है, ये कमी इस बार पूरी कर देनी है। और वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, गोवा के लिए भी जरूरी है। जिसको लड़ना है वो अपने सिंबल पर लड़े, बहुमत प्राप्त करें। यह आयराम गायराम की क्या बात करनी, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे दीजिए। मैं आपको बताता हूं, विकास की गति 2 गुना करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार का एक फ्लेयर होता है, उसका कई फायदे होते हैं और उसके कारण पारदर्शिता भी आती है। मित्रों, मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन किया, 7 साल के अंदर 7 ही साल और कांग्रेस के 60 साल, हमारे साथ कांग्रेस के 60, कितना बड़ा परिवर्तन। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था, मोदी जी ने तय कर लिया हर घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आज पूरे देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में बैंक अकाउंट नहीं है। गोवा में भी हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। हम सबको लगेगा बैंक अकाउंट से भला क्या होता है, मगर जो गरीब है, गरीब विधवा है, उसको विधवा सहायता का जो राशि मिलता है, इसके लिए बिचौलिए पैसा मांगते थे, मनी ऑर्डर आधा हो जाता था उसका, अब सीधा मोदी जी एक क्लिक करते ही इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है।